हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग क्रेजी लेवलिंग सिस्टम के फोर्थ एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जब टीएम उनके अंडे की तरफ जा रहा था, तब उनका सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही उन लोगों को देखता है तब वो उनके ऊपर तीर चलाने वाला था, लेकिन उससे पहले टीएम उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देता है। जिसके बाद जब टीएम अंदर घुस रहा था तब वो केओस स्काई नाम के आर्मर सेट को बाहर निकाल लेता है, के अंदर कुल्हाड़ी, आर्मर और बूट्स थे, और इन सभी को पहनने की वजह से टियान की एबिलिटी दोगुना हो गई थी। टियान कुल्हाड़ी लेके सामने की तरफ जाता है और सबसे पहले दरवाजे के ऊपर अटैक करके उसको एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें पता चल जाता है कि उनके ऊपर हमला हुआ है, और वो सभी अपना भूपूपू बुझा के फाइटिंग की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे जितने भी कैदी थे उन सभी को पता चल जाता है कि कोई उन्हें बचाने के लिए आया है, और वो लोग लियान को पहले से ही जानते थे। टियान लियान कहता है कि तुम इन लोगों को बाहर निकालो, तब तक मैं बैंडेड से निपटता हूँ। इसके बाद टियान वहाँ पे जितने भी बैंडेड उसकी तरफ आ रहे थे, टियान उनके ऊपर एक एक अटैक करके उन सभी को मार देता है। एक बंदा तलवार लेके टियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो टियान उसको हाथ से ही उसके टुकड़े कर देता है। लियान उन सभी लोगों को जेल से बाहर निकाल लेती है और वो सभी लोग लियान को शुक्रिया कहते हैं। टियान लियान से कहता है कि मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ और मैं बाकी लोगों से निपटने जा रहा हूँ। इसके बाद जब टियान आगे की तरफ जाता है तब उसकी मुलाकात गिल्ड के सबसे ताकतवर लोगों से होती है जो कि बॉस होते हैं। वो तीनों ही टियान को देख के काफी हैरान थे कि छोटा सा बच्चा इतने सारे लोगों को आसानी से मार रहा है, लेकिन टियान सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और एक अटैक करता है और एक ही बार में उनके तीसरे नंबर के साथी को आसानी के साथ बीच से चीर देता है। जिसके बाद एक बंदा टियान के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करता है तो टियान उसके ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करता है। उन दोनों के वेपन जैसे ही आपस में टकराते हैं तो टियान के वेपन का जो फोर्स वो उस बंदे की हड्डियां को भी गला देता है और वो बंदा हवा में ही गायब हो जाता है। जिसके बाद टियान गैंग के लीडर से कहता है कि अब तुम आखिरी ही बचे हुए हो। वो वहां से भागते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को पहले मारा था जो तुम मुझसे बदला लेने के लिए आए हो, मुझे छोड़ दो, तुम यहां से हर वो चीज ले सकते हो जो तुम्हें चाहिए। लेकिन टियान उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मासूम लोगों को मारने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन तभी वो गैंग लीडर जल्दी से अपने इंस्पेक्टर को वहां पे बुला लेता है, लेकिन तब तक टियान ने उसका खेल खत्म कर दिया था। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उन लोगों का इंस्पेक्टर आता है जो कि टियान से कहता है कि मेरे उत्तराधिकारियों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अप्राइजल आई टियान को बताती है इंस्पेक्टर का नाम ब्लैक सोल है जो कि ब्लैक ड्रैगन की स्पिरिचुअल वेन को कंट्रोल कर सकता है, और ये सीसी की पीक स्टेज पे है वो भी ब्लैक ड्रैगन की ताकत के साथ, जिससे टियान समझ जाता है कि गैंग का असली मकसद ब्लैक ड्रैगन की स्पिरिचुअल वेन को हड़पना था और कुछ भी नहीं। टियान इंस्पेक्टर से कहता है कि वो यहाँ पे उन लोगों को वो देने के लिए आया था जिसको इंसाफ कहा जाता है कि उन्होंने पिछले दिनों में काफी गंदे गंदे काम किए थे। इंस्पेक्टर आगे से कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने उनके साथ क्या किया, क्योंकि वो सभी कमजोर थे इसीलिए मरना डिजर्व करते थे। इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहता है और यही यहाँ का नियम है। जिसके बाद इंस्पेक्टर टियान को एक ऑफर देते हैं कि अगर टियान उनके साथ हाथ मिला लेता है तो इंस्पेक्टर टियान को कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए रिसोर्स देंगे। टियान कहता है कि मैं एक बुढ़े भूत के ऊपर विश्वास क्यों करूं, जिसपे इंस्पेक्टर टियान को वहां पे ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन दिखाते हैं जो जमीन के अंदर से निकाले थे, और टियान को बताते हैं कि अगर तुम मेरे सबोर्डिनेट बन जाते हो तो फिर मैं तुमको इनका इस्तेमाल करने दूंगा, इससे टियान की कल्टीवेशन काफी तेजी से बढ़ेगी। टियान उससे पूछता है तो फिर मुझे करना क्या होगा, जिसपे इंस्पेक्टर उसे बताते हैं ज्यादा कुछ थोड़े नहीं, बस छोटे छोटे बच्चे बूढ़े लोगों को यहाँ पे लेके आना है, जिसके बाद हम लोग उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे जिससे हमारी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी। जिससे टियान को समझ में आ जाता है कि वो सारे लुटेरे लोगों को पकड़ रहे थे, और वो इंस्पेक्टर से कहता है क्या तुम्हें बदला लेने से डर नहीं लगता है, जिसपे इंस्पेक्टर आगे से कहता है कि मैं ही यहाँ का महामहिम हूँ, मुझे किस बात का डर होगा, सबसे ताकतवर ही जिंदा रहता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर टियान को एक ब्लैक पिल देता है जिसे टियान खा के उनका सबोर्डिनेट बन जाएगा। अप्राइजल आई टियान को बताती है कि ये ड्रैगन ब्लैक पिल है, टियान जैसे ही इसको खा लेगा तो उसकी कल्टीवेशन शुरू में तो बढ़ जाएगी लेकिन धीरे धीरे करके वो तड़प तड़प के मरेगा क्योंकि इस पिल के अंदर जहर है। और टियान समझ जाता है कि इंस्पेक्टर इसी तरह से ही अपने सबोर्डिनेट को कंट्रोल करते हैं, जिसपे इंस्पेक्टर टियान से कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसपे टियान साफ कह देता है क्योंकि मुझे तुम्हारा सबोर्डिनेट नहीं बनना है। जिसके बाद इंस्पेक्टर टियान से कहता है फिर तो तुम्हें यहीं पे मरना होगा, तुम्हें क्या लगता है मेरा सीक्रेट जानने के बाद मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा। जिसके बाद वो ड्रैगन सोल का इस्तेमाल करते हुए टियान के ऊपर अटैक करते हैं। हम देखते हैं कि वहां पे स्पेशल एनर्जी से कई सारे ब्लैक हैंड बन जाते हैं जो टियान के ऊपर एक साथ अटैक करने वाले थे। टियान सोचता है कि शायद मैं फिर से लेवल अप कर सकता हूँ। इसके बाद टियान
वहाँ पे एक्स का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में उन सभी हाथों को काट देता है और उसका जो प्रियसर था उस वजह से इंसेक्टर भी पीछे घिसक जाता है। इंसेक्टर टियान से कहते हैं कि तुम ताकतवर हो लेकिन तुम बस अपने वेपन के ऊपर ही भरोसे पे हो, जिस पे टियान आगे से अपने ग्लव्स को निकालता है और वहाँ पे एक और अटैक करता है जिससे वहाँ पे जितना भी ऑरा था वो धीरे धीरे करके जमने लगता है। इंसेक्टर कहता है कि तुम अपने वेपन के भरोसे ही हो, जिसके बाद इंसेक्टर ब्लैक ड्रैगन के ऑरा का इस्तेमाल करते हुए टियान के ऊपर अटैक करता है लेकिन टियान भैया आगे से अपना स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को शुरू करते हैं और ब्लैक ड्रैगन के ऑरा को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और उसे एक्सपीरियंस में बदलने लगते हैं, जिससे इंसेक्टर समझ आता है कि टियान के पास कोई ऐसी इवल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए टियान उसके अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। इंसेक्टर टियान के ऊपर ड्रैगन ब्रेथ अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम कितना एब्जॉर्ब कर सकते हो। हम देखते हैं काफी मात्रा में टियान के ऊपर एक भारी भरकम अटैक होता है तो टियान आगे से ग्रेट स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को शुरू करता है और वो सभी ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगता है और साथ ही में टियान क्रेजी एक्सपीरियंस मोड को भी एक्टिवेट कर देता है और काफी जल्दी जल्दी उस पूरे अटैक को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और एब्जॉर्ब करने के बाद इंसेक्टर से कहता है कि जितना चाहे उतना बड़ा अटैक कर लो, मैं सब कुछ एब्जॉर्ब कर लूंगा। तो फिर इंसेक्टर टियान के ऊपर एक और भारी भरकम अटैक करते हुए कहते हैं कि इसको एब्जॉर्ब करके दिखाओ। हम देखते हैं कि इंसेक्टर ने टियान के ऊपर ब्लैक ड्रैगन मिट्योर से अटैक किया था। हम देखते हैं वो मिट्योर जैसे ही टियान के ऊपर गिरता है तो वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है लेकिन टियान ने मिस्टीरियस स्काई डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट कर दिया था जिससे टियान के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और टियान आगे से उस मिट्योर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है कि एक्सपीरियंस देने के लिए थैंक यू। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं जब टियान ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा था तो इंसेक्टर उसके पीछे आ गया था और वो टियान के ऊपर स्नीक अटैक करते हुए सोचता है कि वो टियान को यहाँ से जाने नहीं दे सकता है, नहीं तो ये काफी बड़ा नुकसान होगा। हम देखते हैं कि टियान को भी पता चल जाता है कि इंसेक्टर उसके ऊपर स्नीक अटैक करने वाला है तो टियान जल्दी से शैडो क्लॉक का इस्तेमाल करता है और उस अटैक को आसानी के साथ डॉज कर लेता है जिससे इंसेक्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। टियान इंसेक्टर को उंगली करते हुए कहता है कि तुम मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की जगह पर ड्रैगन सोल अटैक क्यों नहीं करते हो। इससे इंसेक्टर गुस्सा होकर टियान के ऊपर ड्रैगन रॉर से अटैक करता है लेकिन टियान आगे से अपने फोस्ट फिस्ट का इस्तेमाल करता है और आसानी के साथ उसको ब्लॉक कर लेता है। हम देखते हैं टियान के फिस्ट की वजह से ब्लैक ड्रैगन का जो हाथ था वो धीरे धीरे करके जमने लगा था जिससे ब्लैक ड्रैगन भी काफी हैरान होते जा रहा था। फिर इंसेक्टर धीरे धीरे करके पूरी तरीके से जम जाता है। टियान उसके पास आता है और बाहर से अपना हाथ रख के उसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। इंसेक्टर टियान से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जिसके बाद वो वहाँ पे ड्रैगन माइट का इस्तेमाल करता है और उससे बाहर निकल आता है। तो फिर टियान आगे से ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। इंसेक्टर भी टियान से वही सवाल पूछता है कि वो ड्रैगन रेस कैसे हो सकता है लेकिन टियान उसके मुंह को पकड़ता है और उसको जमीन के अंदर दबा देता है और उसकी स्पेशल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। इंसेक्टर टियान से कहता है कि मुझे ना मारो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा लेकिन टियान उसे कहता है इतने सारे बुरे कांड करने के बाद क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। टियान को पता चलता है कि इंसेक्टर की जितने भी स्पेशल एनर्जी थी वो पहले ही खत्म हो चुकी है। टियान उसे कहता है कि तुम सारे टाइम ब्लैक ड्रैगन की स्पेशल विन को एब्जॉर्ब कर रहे थे, बस तुम्हारे पास इतनी ही स्पेशल एनर्जी थी, जिसके बाद टियान उसे मारते हुए कहता है याद रखना अगले जन्म में अच्छा इंसान बनना नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा मार दूंगा। इसके बाद टियान ब्लैक सोल इंसेक्टर का खेल वहीं पे खत्म कर देता है। टियान जैसे ही उसे मारता है तो सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता है। सिस्टम टियान को बताता है कि उसे दो मसाला टेक्निक मिली है और साथ ही में उसे ब्लैक ड्रैगन स्प्रिट क्रिस्टल और साथ ही में ब्लैक ड्रैगन स्केलेटन मिला है। टियान सोचता है कि अब ये क्या चीज है और मैं इसके से क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसपे सिस्टम टियान को बताता है कि वो इनका इस्तेमाल करके ब्लैक ड्रैगन को समन कर सकता है उसको एक पेट के तौर पे। टियान सोचता है कि अगर उसने ब्लैक ड्रैगन को समन कर पाया तो फिर वो आसमान में भी उड़ पाएगा लेकिन उससे पहले टियान को कोर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे जाना होगा जिसको हम लोग अब से सीटी कहेंगे। लेकिन टियान को ब्लैक ड्रैगन समन करने के लिए ब्लैक ड्रैगन सोल की भी जरूरत थी क्योंकि इंसेक्टर मर चुका है, इसीलिए टियान को पता नहीं कि उसकी सोल कहाँ पे मिलेगी। उसी टाइम पे वहाँ पे कई सारे लोग आते हैं जो कि ये देख के हैरान हो गए थे कि टियान ने इंसेक्टर ब्लैक सोल को आसानी के साथ मार गिराया था। टियान जल्दी से उनकी तरफ मुड़ता है और उन्हें भी मारने के लिए आगे बढ़ रहा था लेकिन वो सभी लोग अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और टियान
से कहते हैं कि हमें फोर्स किया गया था वो सभी बुरे काम करवाने के लिए। लेकिन टियान उनसे कहता है कि हिलना नहीं, यहीं पे बैठ जाओ, मुझे नहीं पता है कि तुम में से किसको फोर्स किया गया था और कौन नाटक कर रहा है। तभी वहाँ पे लियान और एक बंदा आता है जो कि एक बंदे की तरफ इशारा करके बताता है कि ये उन लुटेरों के साथ था और इसे फोर्स नहीं किया गया था। इसके बाद टियान उस बंदे को तुरंत एक झटके में मार देता है, जिसके बाद वो लोग बताते जाते हैं कि कौन असली लुटेरा है और किसे फोर्स किया गया था और टियान उन्हें एक एक करके मारता जाता है। और टियान इसी तरह से इस मिशन को भी पूरा कर लेता है और सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता है। जिसके बाद टियान लियान को पहले भेज देता है गांव में, जिसके बाद वो ब्लैक सोल एंसेटर के पास जाता है जो कि उसके घर पे था। टियान उसके घर में दरअसल ब्लैक ड्रैगन के सोल की केव को ढूंढ रहा था और टियान को वो मिल भी जाती है और उस केव के अंदर से ब्लैक ड्रैगन का ऑरा बाहर निकल रहा था। और जब टियान उस केव के अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि एक दरवाजे के पीछे से भारी मात्रा में ब्लैक ड्रैगन का ऑरा आ रहा है। और जब टियान उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तब ब्लैक ड्रैगन अंदर से कहता है, क्या तुम्हें ताकत चाहिए जिससे तुम पूरे दुनिया के ऊपर राज कर सकते हो, हर किसी के ऊपर हुकूमत कर सकते हो? अगर तुम्हें ऐसी ताकत चाहिए तो मैं तुमको दे सकता हूँ, यहाँ पे आओ, मुझे स्वीकार करो, फिर मैं तुम्हें वो असली ताकत दूंगा जिससे तुम इस पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हो। और जब टियान अंदर जाता है तब उसको वहाँ पे असली ब्लैक ड्रैगन मिल जाता है। टियान जल्दी से अपने अप्राइजल आई को एक्टिवेट करता है तब उसे पता चलता है कि ब्लैक ड्रैगन मर चुका है, ना ही वो कल्टीवेट कर सकता है और ना ही उसके पास कोई स्पेशल पावर है। लेकिन टियान को उसे आइटम मिल सकते हैं जैसे कि ब्लैक ड्रैगन की सोल, ब्लैक ड्रैगन की हड्डियां और साथ ही में ब्लैक ड्रैगन क्रिस्टल भी। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सिर्फ डेड बॉडी है लेकिन इसके बावजूद ये आइटम को ड्रॉप कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ से ड्रैगन सोल भी मिल जाएगी जिसके बाद मैं ब्लैक ड्रैगन को अपनी मनमर्जी के मुताबिक उसे समन कर सकता हूँ। वहीं पे ब्लैक ड्रैगन टियान से कहता है, क्या तुम्हें सच में ताकत चाहिए? टियान कहता है, बिल्कुल चाहिए भाई, क्या हो सकता है जो इस ताकत के लिए मना करेगा? ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है, ये अच्छी बात है, मैं तुमको वो ताकत दूंगा जिससे तुम इस दुनिया में सभी के ऊपर राज कर पाओगे और सभी को पीछे छोड़ दोगे। टियान उसे कहता है, ब्लैक सोल एंसेक्टर के बारे में क्या, उसको भी तो तुमने अपनी पावर दी थी, क्या वो ताकतवर नहीं था? ब्लैक ड्रैगन टियान से कहता है, वो कचड़ा, वो तो मेरी ताकत के एक छोटे से टुकड़े को भी संभालने के लिए काबिल नहीं था, सिर्फ कोई ताकतवर ही मेरी पूरी ताकत को बाहर निकाल सकता है क्योंकि मैं एक लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन किंग जो हूँ। बस तुम्हें अपने सोल को मेरे साथ फ्यूज करना है जिसके बाद तुम एक झटके में स्पिरिट कोर या फिर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोर तक पहुंच जाओगे बस एक झटके के अंदर। टियान पूछता है, वो ऐसा करेगा कैसे? जिस पे ब्लैक ड्रैगन कहता है, बस तुम अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो जिसके बाद मेरी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगी और इसी तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। टियान कहता है, ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, बस मुझे तुम्हारी एनर्जी ही तो एब्जॉर्ब करनी है। जिसके बाद टियान स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को निकालता है और ब्लैक ड्रैगन की सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है जिससे ब्लैक ड्रैगन को दर्द होने लगता है और वो चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। टियान उसे कहता है कि तुम ही तो मेरे साथ एक होना चाहते थे, इसीलिए मैं तुम्हें एब्जॉर्ब कर रहा हूँ जिससे हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। ब्लैक ड्रैगन खुद को छुड़वाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक होना चाहता हूँ लेकिन इस तरह से नहीं। टियान कहता है, लेकिन मुझे यही तरीका पसंद है। जिसके बाद ब्लैक ड्रैगन टियान के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो नहीं तो तुम यहीं पे मरोगे। जिसके बाद ब्लैक ड्रैगन टियान के ऊपर माउंटिंग से अटैक करता है लेकिन टियान तुरंत वहां पे ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर देता है और ड्रैगन फॉर्म में आके उस अटैक को अपनी फोर्स से ही न्यूलिफाई कर देता है। ब्लैक ड्रैगन उसे पूछता है कि तुम्हारे पास ड्रैगन रेस कहां से है, लेकिन टियान इसी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए सीसी की पीक स्टेज पे आ गया था और टियान स्पिरिट कोर के बस कुछ ही कदम दूर था। हम देखते हैं कि वो ड्रैगन टियान से कहता है कि मुझे जाने दो, लेकिन टियान और भी ज्यादा तेजी से उसकी सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है। वो ड्रैगन टियान से भीख मांगने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो मेरे पास है, मेरे पास कई सारी मार्शल आर्ट है और टेक्निक्स है, वो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन टियान कहता है, मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी सोल चाहिए। जिसके बाद टियान सक्सेसफुली ब्लैक ड्रैगन को क्रिस्टल में बदल देता है और उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिस्टम टियान को बताता है कि उसके पास ड्रैगन ब्लैक की सोल आ गई है और साथ ही में उसके पास ब्लैक ड्रैगन के क्रिस्टल भी आ गए हैं जिससे टियान अब यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन को समन भी कर सकता है। लेकिन उसी टाइम पे जो वो गुफा थी वो ढहने लगती है और सारे पत्थर इधर उधर आके टियान के ऊपर ही गिर रहे थे। जिसके बाद टियान वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन के स्केलेटन सोल और क्रिस्टल का इस्तेमाल करके सक्सेसफुली वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन को समन कर लेता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन जमीन को चीरते हुए बाहर निकलता है जिसे के ऊपर टियान बैठा हुआ था और वो कहता है कि ये जगह तो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई लेकिन मुझे सक्सेसफुली ब्लैक ड्रैगन मिल गया है और मैं इसको जब चाहे तब समन कर सकता हूँ। जिसके बाद टियान उसे कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो, हम दोनों एक साथ ताकतवर बनेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टियान विलेज के पास वापस आ जाता है और विलेज वाले काफी खुश थे कि टियान सही सलामत वापस आ गए।
गया। और वो लोग टियान से कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे बदौलत ही हम सभी लोग जिंदा है, नहीं तो वो लुटेरे हमें पहले या फिर बाद में मार ही देते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि विलेज के अंदर इसी बात को लेके पार्टी मनाई जाती है और सभी लोग खुश होते हैं। टियान लियान से पूछता है क्या तुम खुश हो कि विलेज वाले इतने खुश हैं। लियान टियान से कहती है कि तुमने मेरी वजह से इस विलेज को बचाया है और अब यहाँ के लोग बिना किसी चिंता के शांति के साथ जी सकते हैं तो बेशक मैं खुश होंगी। और लियान टियान को ये सब करने के लिए शुक्रिया कहती है। टियान उसे कहता है कि हमारे बीच में थैंक यू जैसा शब्द मायने नहीं रखता है। वैसे हमें स्काई सिटी जाना होगा, मुझे कुछ मटेरियल्स खरीदने हैं क्राफ्टिंग करने के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। इसके लिए लियान मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों स्काई सिटी पहुंच जाते हैं। और जब टियान वहां पे जाता है तो उसे पता चलता है कि स्काई रेन हॉल की जो बिक्री है वो काफी बढ़ गई है, क्योंकि फिनिक्स हॉल वाले वो तो तबाह ही हो चुके हैं। जिसके बाद जी बाहर आती है और वो टियान को इनवाइट करती है उसके हॉल में चल के चाय पीने के लिए। टियान जी को बताता है कि वो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए आया है, क्या उसको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है। जिसपे जी कहती है कि पूरा स्काई रेन हॉल ही उसका है, वो चाहे जो भी यहाँ से फ्री में ले जा सकता है। टियान कहता है कि वो तो मजाक कर रहा, वो सब कुछ नॉर्मल प्राइस पे ही खरीदेगा जो असली के होंगे। जिसके बाद जी टियान को मटेरियल्स दिखाती है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ऐसे मटेरियल्स थे जिनके साथ नॉर्मल वेपन बनाए जा सकते थे, ना कि सोल वेपन। इसलिए टियान जी से सोल वेपन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स और वेपन्स मांगता है। जी अपने मन के अंदर सोचती है कि टियान पहले ही इस लेवल पे आ चुका है जहाँ पे आके वो सोल वेपन जैसे वेपन्स को भी क्राफ्ट कर सकता है, और जी टियान को मना कर देती है ये कहते हुए कि यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है जो सोल वेपन को क्राफ्ट कर पाते हैं, इसीलिए उनके पास इतने ज्यादा हाई लेवल के मटेरियल्स और क्रिस्टल्स नहीं होंगे। लेकिन अगर टियान को ऐसे मटेरियल्स चाहिए तो वो लोग किसी को बाहर भेज के उन्हें मंगवा सकते हैं, लेकिन उन्हें आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। टियान इस चीज के लिए मान जाता है और उनसे कहता है चलो ये तो ठीक है, लेकिन मुझे अपने बाकी सारे वेपन्स के लिए मटेरियल्स दे दो, मैं उनको यहीं पे खरीद लूंगा। इसके बाद जी टियान के लिए उन सभी मटेरियल्स को इकट्ठा करके संदूक में पैक कर देती है। लेकिन जब टियान उन मटेरियल्स को देखता है तब वो इतने ज्यादा मटेरियल्स नहीं थे कि टियान उनसे ज्यादा वेपन क्राफ्ट कर सके, इसीलिए वो जी से कहता है कि मुझे और चाहिए। जी उसे बताती है तो फिर उन्हें हेडक्वार्टर से और ज्यादा मंगवाने पड़ेंगे, और टियान कहता है ठीक है उन्हें मंगवा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन मुझे वो सारे मटेरियल्स चाहिए। लेकिन टियान को एक आइडिया आता है और वो जी से कहता है क्यों ना मैं तुम्हारे लिए पिल्स को रिफाइन कर देता हूँ, जिससे हम दोनों को ही फायदा होगा और मुझे सस्ते में मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। जी अपने मन के अंदर सोचती है कि ये काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि टियान जो है वो जब भी रिफाइन करेगा तो उसके फेल होने के चांसेस ना के बराबर है, जबकि नॉर्मल ब्लैक स्मिथ ऐसा करते हैं तो वो कई बार फेल हो जाते हैं जिससे मटेरियल्स जाया जाता है, इसीलिए अगर वो लोग टियान के साथ ये डील करते हैं तो उन्हें ही फायदा होगा। टियान जी से कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं उन मटेरियल्स को खुद चूज करूंगा और तुम उन्हें डायरेक्ट पैलेस भिजवा देना। जी इस बात के लिए मान जाती है और वो कहती है ठीक है हम लोग उन्हें डायरेक्ट हेवनली पैलेस ही भिजवा देंगे। जिसके बाद टियान वहां से जाने लगता है। जी उसे पूछती है क्या तुम सच में जा रहे हो, और अपने मन के अंदर सोचती है कि एक बार अगर कोई रिलेशनशिप खराब हो जाता है तो उसको दोबारा बनाने में बहुत आंखें बाहर आ जाती हैं। लेकिन तभी स्काई रेन हॉल का एल्डर लियू हैंग आगे बढ़ता है और वो टियान से माफी मांगता है, क्योंकि पिछले टाइम में जब फिनिक्स ने उनके ऊपर उंगली की थी तब वो लोग मदद नहीं कर पाए थे, इसीलिए टियान उनके हालातों को समझे और उन्हें माफ कर दे। टियान कहता है कि मैंने पहले से ही ये नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे ऊपर ब्लेम डालूंगा, और वैसे भी वो जो कांड हुआ था उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसीलिए मैं इसके लिए किसी को भी दोष नहीं दूंगा। जिसके बाद टियान वहां से जाते हुए कहता है कि वो यहां पे ज्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि वे फालतू में आना बेवर्थ होगा। इसके बाद टियान वहां से जाने लगता है। लियू हैंग जी से कहता है कि तुम उसके पीछे जाओ और थोड़ा सा रिलेशनशिप बनाओ, लेकिन जी पीछे जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो यहाँ पे दोबारा आके हमें फिर से मिलता है और हमें इतनी अच्छी डील देता है, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है, इसीलिए चीजें जैसी चल रही है उन्हें ऐसे ही चलने दिया जाए, हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं एक रिलेशनशिप बनाने के लिए, नहीं तो इस जो चीज पहले बनी है और भी ज्यादा वो बिगड़ जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि जब टियान अपने मेंशन वापस आता है तब उसको रास्ते के बीच में दो बड़े बड़े ईगल्स दिखाई देते हैं, जिससे टियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े ईगल्स को खरीद पाना नामुमकिन होता है, वो भी गोल्ड के साथ। इसलिए टियान समझ जाता है कि जो कोई भी यहाँ पे आया है वो जरूर सेकंड ग्रेड के फंक्शन से होगा। और जब टियान थोड़ा सा पास जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके पैलेस के अंदर परफाउंड अजूरे मेंशन वाले आए हैं, जो कि सीजू को इस बात के लिए फोर्स कर रहे हैं कि सीजू अपने पैलेस के साथ उनके साथ एक नाता रख ले, जिससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा और हेवनली पैलेस बाद में जाके उनकी एक ब्रांच भी बन सकती है। और इसी तरह से हेवनली पैलेस को थर्ड ग्रेड का फंक्शन समझा जाएगा और सीजू के पैलेस को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन सीजू उनके अजूरे मेंशन को ज्वाइन करने से साफ मना कर देती है और कहती है कि वो लोग अपने ही रिसोर्स और एल्डर का इस्तेमाल करेंगे अपने हेवनली पैलेस को सेकंड ग्रेड का फंक्शन बनाने के लिए। तभी एक और बंदा सीजू से कहता है क्या वो सच में उन लोगों को इस तरह से रिजेक्ट करना चाहती है, वो लोग थ्री ग्रेड के फंक्शन से आते हैं और कई सारे सेकंड ग्रेड के फंक्शन उनसे भीख मांगते हैं उनके साथ जुड़ने के लिए, लेकिन ये लोग सीजू के मेंशन के पास आए हैं, और क्या सीजू को सच में लगता है कि बिना उनकी मदद के सीजू सेकंड ग्रेड का फंक्शन बना पाएगी। उसी टाइम पे वहां पे टियान आता है जो कि
की बाहर से साफ कहता है कि सिजु ने पहले ही साफ साफ बता दिया है कि वो उनकी फोर्स को ज्वाइन नहीं करेगी और बाहर वालों को उनके मामले के बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। इंस्पेक्टर के सिजु से कहते हैं कि अगर टियान उनका डिसाइपल है तो उसके अंदर जरा से भी तमीज नहीं है। ज्वेलर्स की बातों के बीच में वो बोल रहा है। टियान जगह सिजु के पीछे खड़ा हो जाता है और सिजु कहती है कि टियान उनका एक एल्डर है और उसके पास पूरा अधिकार है कि वो इस तरह के मामले के बीच में बोल सकता है। टियान इंस्पेक्टर गे को बताता है कि वो यहाँ का फोर्थ एल्डर है और टियान उनसे कहता है पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग बिना उनकी मदद के सेकेंड ग्रेड का फंक्शन नहीं बन पाएंगे। टियान को तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर के अंदर वो लोग बिना किसी दिक्कत के एक सेकेंड ग्रेड का फंक्शन बन जाएंगे। इंस्पेक्टर गे आगे से कहते हैं कि अगर तुम इसको अपना पूरा गोल मानते हो तो फिर तुम्हें काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम्हारे पास हमें ज्वाइन करने के सिवा और कोई चॉइस नहीं है। और अजूरे मेंशन के पास कई सारे टैलेंटेड डिसाइपल हैं। अगर वो सारे डिसाइपल इनकी हेवनली पैलेस की लड़कियों के साथ शादी करेंगे तो उनके जो बच्चे होंगे उनके पास ग्रेट पोटेंशियल होगा, जिससे उन लोगों की रिलेशनशिप को भी बढ़ाने में काफी आसानी होगी, जिसके बाद कोई दूसरा क्लैन उनके ऊपर हमला करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। जिसपे टियान उन दोनों से पूछता है कि जब हमारे ऊपर हमला हुआ था तब तुमने कोई भी मदद नहीं भेजी, लेकिन अब तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो। जिसपे वो लोग सामने से कहते हैं क्योंकि तुमने उन्हें हरा के ये साबित कर दिया है कि तुम कैपेबल हो, इसीलिए हम लोग तुम्हें अब ज्वाइन करना चाहते हैं। तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी काफी कमजोर थी लेकिन इसके बावजूद तुम खुद को जिंदा रख पाए, इसीलिए हमें लगता है कि तुम हमें ज्वाइन करने के लिए कैपेबल हो और यही इस दुनिया का नियम है। टियान कहता है कि वो इन्हें अच्छे से समझता है लेकिन जब वो लोग कमजोर थे तब उन्हें छोड़ देना तो ये बिल्कुल अनाथ करने जैसा है, लेकिन जब उनके पास ताकत आ गई है तो उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं। टियान उन लोगों से साफ कहता है कि अगर हेवनली पैलेस सेकंड ग्रेड का फंक्शन बनना चाहता है तो वो अपनी एबिलिटी के ऊपर बनेगा और अगर हेवनली पैलेस अपने ऊपर भरोसा रखता है तो इसे हेवनली पैलेस और ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। इंस्पेक्टर के आगे से कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुमने बस मुश्किल से ही 2 सेकंड ग्रेड के फंक्शन को हराया है और तुम्हें लगता है कि तुम लोग इतने कैपेबल हो कि बिना हमारी मदद करे एक सेकंड ग्रेड का फंक्शन बन सकते हो, तो इसके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें लगेंगी, लेकिन हमारी 3 फोर्स काफी शक्तिशाली है, वो एक ही झटके में तुम्हारे हेवनली पैलेस को यहाँ से मिटा सकती है। सिजु आगे से कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो लेकिन हमारा हेवनली पैलेस बस शांति से जीना चाहता है और किसी भी विवाद के अंदर फंसना नहीं चाहता है, हम तुम्हारी फोर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इंस्पेक्टर के उनसे कहता है कि तुमने तो इस बारे में दोबारा सोचा ही नहीं, तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, हमारा अजूरे मेंशन इस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करने वाला है और बाकी जितने भी 3 ग्रेड के मेंशन होंगे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और सिर्फ हमारा अजूरे मेंशन ही इस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर अकेला 3rd ग्रेड का मेंशन बचेगा। इसलिए यहाँ पे 2 आउटकम आते हैं, अगर तुम सरेंडर कर सकते हो और हमारे सामने अपनी लॉयल्टी साबित करते हो तो फिर तुम जैसे जी रहे हो वैसे जी सकते हो और तुम्हें कई सारे रिसोर्स भी मिलेंगे, लेकिन अगर तुम हमें चूज नहीं करते हो और मना करते हो तो तुम्हारा हेवनली पैलेस आज के आज ही इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। यूमो अपने मन के अंदर सोचती है कि इनके पास सच में ताकतवर एबिलिटी है, यहाँ तक कि अजूरे मेंशन ने जिन लोगों से हमसे बात करने के लिए भेजा है ये भी कुछ कम नहीं है, ये लोग हमारे इंसेक्टर से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं और अगर हमारी इनके साथ लड़ाई होती है तो ये लोग आसानी के साथ हमारे इंसेक्टर को भी हरा सकते हैं। वहीं पे टियान अपनी अप्राइजल आई को एक्टिवेट करता है तो उसे पता चलता है कि वहां पे जितने भी लोग आए थे वो सभी सीसी की 7th या फिर 5th फॉर्म पे थे। सिजु उनसे कहती है कि शुरुआत से ही तुम्हारा यही मकसद था, जिसमें इंस्पेक्टर के आगे से कहता है हाँ शुरुआत से ही हमारा यही मकसद था, अगर तुम लोग हाँ कहते हो तो फिर कुछ भी नहीं होगा, अगर ना कहते हो तो हम तुम्हारे हेवनली पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे और जिसके बाद हर किसी को तुम्हारा एग्जाम्पल ही देते फिरेंगे। सिजु इंस्पेक्टर गे से कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ हमारे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जिसपे इंस्पेक्टर गे आगे से कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि कोई एक्सपर्ट है जो कि तुम्हारी मदद कर रहा है और तुमने उसे छुपा के रखा है, लेकिन शायद से उसके कल्टीवेशन भी शायद से सीसी की पीक स्टेज भी होगी या फिर स्प्रिट कोर के पास होगी और ज्यादा कुछ भी नहीं। यूमो अपने मन के अंदर सोचती है शायद से इन्हें नहीं पता है कि टियान ही वो कल्टीवेटर है जिसने उन तीनों बुड्ढों को आसानी के साथ हरा दिया था, शायद से इन्होंने बस यही सुना होगा किसी ताकतवर कल्टीवेटर ने इन लोगों की मदद की थी और इन्हें टियान के बारे में नहीं पता है कि टियान ही वो कल्टीवेटर है। इंस्पेक्टर के जब उन लोगों की चाय पीते हैं तो उन्हें चाय पसंद नहीं आती है और वो थूक देते हैं। इंस्पेक्टर के कहते हैं कि अगर तुम्हारा एक्सपर्ट अभी भी छुपा हुआ है तो वो बस एक कायर की तरह है, जिसके बाद इंस्पेक्टर के कुछ ऐसा कहते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। दरअसल वो सिजु से कहते हैं कि मेरे लॉर्ड अभी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए तुम उनकी क्यूबिन यानी कि रखेल बनने के लिए परफेक्ट हो और उनके साथ मेट कट के बाद जो तुम्हारा बच्चा होगा उसके पास ग्रेट पोटेंशियल होगा। उसी टाइम पे टियान आगे बढ़ता है और कॉलर पकड़ के जो थप्पड़ मारता है वो पूछो ही नहीं और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंटी के बारे में ऐसा कहने की, और टियान का जोरदार थप्पड़ खाने के बाद इंस्पेक्टर गे के जो दांत थे वो बाहर आ चुके थे और टियान उसे कहता है कि अगर तुम्हारे लॉर्ड को लगता है कि उसे कोई क्यूबन चाहिए तो एक भैंस पकड़ा दो, उसी के साथ वो खुश रहेगा। इंस्पेक्टर गे ये कहने ही वाले थे कि तुम्हारा मेंशन अब नहीं
ही बचेगा, लेकिन टियान पहले ही कह देता है ये मैंने काफी बार सुन रखा है। जिसके बाद टियान उसके कॉलर को पकड़ता है और उठा के दरवाजे की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद टियान उसके कॉलर को पकड़ता है और उठा के उसके मुंह के ऊपर चट्टे पे चट्टे चट्टे पे चट्टे मारते जाता है। बाकी जो दो लोग पीछे बैठे हुए थे वो टियान से कहते हैं कि उन्हें छोड़ दो। उसी टाइम पे सीजो उनका रास्ता ब्लॉक करती है और उनसे कहती है कि तुम्हें लोगों ने पहले उंगली की थी, अगर तुम्हें लगता है कि हेवनली पैलेस चुपचाप बैठ के बुली होता रहेगा तो ये तुम्हारा सपना है। जिसके बाद सीजो वहाँ पे कल्टीवेशन को रिलीज करती है और एक लात मार के उन्हें भी बाहर फेंक देती है। हम लोग देखते हैं कि टियान उसके अभी भी चट्टे पे चट्टे मारे जा रहा था, तभी वहाँ पे एक एल्डर आता है जो कि टियान से कहता है कि तुम सच में ताकतवर हो, इतनी कम उम्र में होने के बावजूद तुम सीसे की पीक स्टेज पे आ चुके हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए बुरी बात होगी कि आज तुम यहीं पे मरने वाले हो। टियान जब एल्डर वी के ऊपर अपनी अप्राइजल आई को एक्टिवेट करता है तब उसे पता चलता है कि एल्डर वी स्पिरिट कोर की सेकंड स्टेज पे है और उनके पास काफी अच्छे इक्विपमेंट भी है, जिससे सीजू समझ जाती है कि इन्होंने जानबूझ के उन्हें ललचाया था ताकि वो लोग इस जाल में फंस जाएं। जिसके बाद एल्डर वी अचानक से बाहर आ जाएंगे और इनके ऊपर हमला कर देंगे। वहीं पे इंस्पेक्टर गेट टियान से कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो अब मार के दिखाओ, जिसपे टियान उनके मुंह के ऊपर एक जोरदार चाटा मारता है जिससे वो उड़ते हुए जाके पिलर से टकराते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और टियान उसे कहता है कि इतना काफी है या फिर और कुछ भी करूं। वहीं पे एल्डर वी जल्दी से क्लाउड स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हुए टियान के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी कम उम्र में होने के बावजूद कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। सीजू जल्दी से आगे बढ़ती है जो सोल जेट का इस्तेमाल करते हुए एल्डर वी को वहीं पे जमा देती है, लेकिन वो आसानी के साथ उस बर्फ को तोड़ते हुए सीजू के ऊपर क्लॉ अटैक करने वाले थे। टियान जल्दी से आगे बढ़ता है जो कि सीजू की कमर पकड़ के उसे साइड में करता है और अपने ड्रैगन ब्लडलाइन को एक्टिवेट करके एल्डर वी के ऊपर एक जोरदार क्लॉ अटैक करता है जिससे वो पीछे जाके गिरते हैं। एल्डर वी इस बात से काफी गुस्सा हो जाते हैं कि टियान ने उन्हें हाथ लगाया और वो टियान से कहते हैं कि तुम काफी दर्दनाक मौत मरने वाले हो। इस पे टियान आगे से कहता है कि कौन मरेगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा। इसके बाद टियान वहाँ पे ड्रैगन गॉड की सीक्रेट आर्ट को रिलीज करता है तो उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और धीरे धीरे करके टियान की पावर और ज्यादा बढ़ने लगती है। जिसके बाद एल्डर वी आगे से एक सोल ग्रेड का वेपन बाहर निकाल लेते हैं और टियान से कहते हैं कि मैं तुम्हें 20 से चीर दूंगा। टियान आगे से कहता है कि तुम्हारी स्किन तो काफी ज्यादा मोटी है, यहाँ तक कि मेरे क्लॉ भी तुम्हें एक क्रैश क्रैश तक नहीं दे पाए। जिसके बाद एल्डर वी काफी तेजी के साथ टियान के ऊपर क्लॉ अटैक करने को आगे बढ़ते हैं। सीजू जल्दी से टियान से कहती है कि तुम्हें सावधान रहना होगा। वहीं पे उन तीनों को लगता है कि एल्डर वी आसानी के साथ टियान को मार देंगे। जिसके बाद एल्डर वी टियान के ऊपर आगे से बस्ट क्लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो टियान आगे से उनके ऊपर पोस्ट फिस्ट का इस्तेमाल करता है और अचानक से टियान एल्डर वी को पूरा जमा देता है और वो पावर इतनी ज्यादा थी कि उस बर्फ के टुकड़े भी हो जाते हैं और एल्डर वी पीछे जाके गिरते हैं और काफी घायल हो जाते हैं। एल्डर वी टियान से पूछते हैं कि तुम किस तरह की इविल टेक्निक का यूज कर रहे हो। इस पे टियान कहता है क्या ये मायने भी रखता है। इसके बाद टियान भी वहाँ पे अपने ग्लव्स को बाहर निकालता है और एल्डर वी से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हो, इसीलिए शायद मुझको भी मेरे वेपन को हल्का सा थोड़ा सा अपग्रेड कर ही लेना चाहिए। एल्डर वी टियान से कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली वेपन है, एक बार मैं तुम्हें मार दूं जिसके बाद ये मेरा हो जाएगा। टियान उनसे कहता है कि तुम इतने कमजोर हो कि मुझे छू भी नहीं सकते हो, मैं तुम्हें जल्दी से मार दूंगा क्योंकि मुझे बाकी सारी चीज के करने के लिए भी जाना है। इसके बाद टियान वहाँ पे क्रेजी मोड को एक्टिवेट करता है तो उसकी एनर्जी और ज्यादा रिलीज होने लगती है, जिसको देख के सीजू और ज्यादा हैरान होती जाती है और वो सोचती है कि टियान स्पिरिट कोर पे पहले ही पहुंच गया है क्योंकि वो एल्डर वी से कई गुना शक्तिशाली है। जिसके बाद टियान एल्डर वी से कहते हैं क्या तुम अभी तक समझे नहीं हो, मैं वही कमीना बंदा हूँ जिसको तुम लोग पूरे हेवनली पैलेस के अंदर ढूंढ रहे हो। एल्डर वी टियान से कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टियान कितना माहिर है या फिर कितना लेजेंडरी जीनियस है, लेकिन वो कभी भी एल्डर वी को नहीं मार पाएंगे। जिसपे टियान आगे से कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। जिसके बाद टियान जल्दी से आगे बढ़ता है और एल्डर वी के ऊपर फिर से फ्रीज अटैक करता है जिससे वो जमने लगते हैं, लेकिन टियान तभी उनके ऊपर विंड फायर पाम से अटैक करता है जिससे वो पीछे जाके गिरते हैं और उनके सीने के ऊपर आग लग जाती है और उनके अंदर जितने भी ऑर्गन्स थे वो सभी जलने लगते हैं। और वो इस बात से भी काफी हैरान थे कि टियान एक साथ दोनों एट्रीब्यूट को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। टियान कहता है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसके बाद वो अपने लकी ऑरा को एक्टिवेट करता है और वहाँ पे एक स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। अब भैया एल्डर वी की फटने लगती है तो वो टियान से कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो फिर अजुरा मेंशन तुम्हें कभी भी नहीं जाने देगा। टियान कहता है ठीक है हटा, जिसके बाद वो उसे एक ही बार में मार देता है और टियान जैसे ही उसे मार गिराता है तो टियान को उसकी जितनी भी टेक्निक्स थी वो सभी मिल जाती हैं और साथ ही में जो आर्मर एल्डर वी ने पहने थे वो टियान को मिल जाते हैं। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि एक ताकतवर कल्टीवेटर को मारने के बाद जो भी ड्रॉप्स मिलते हैं वो बेकार नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने जितनी ज्यादा उम्मीद की थी मुझे उसे कम ही मिला है। जिसके बाद टियान पीछे मुड़ के उन तीनों की तरफ देखता है तो उन तीनों की सांसें अटक जाती हैं। इंस्पेक्टर के कांपते हुए टियान से कहता है कि तुमने एल्डर वी
एम्प्लॉई को मार दिया है। अब अच्छा यही होगा कि तुम अपने पूरे हेवनली मेंशन को लो और यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम हमें जाने देते हो तो फिर हम अपने लॉर्ड से ये सिफारिश करेंगे कि वो तुम्हारी जान को बख्श दें। इस पे टियान आगे से उसे घूरते हुए कहता है कि मैं 3 साल का दूध पीता हुआ बच्चा हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। अजरे मेंशन ने पहले ही हमारे ऊपर अटैक करने का प्लान कुछ दिनों पहले ही बना लिया होगा, इसीलिए मैं तुमको जिंदा रहने दूं या फिर ना दूं इसे कुछ भी नहीं बदलेगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हारी जान ले ही लेता हूं। इसके बाद टियान उसके ऊपर भी एक जोरदार अटैक करता है और उसको भी मार गिराता है, और सिस्टम टियान को उसको मारने के बदले में सारे रिवॉर्ड दे देता है। इसके बाद अगली बारी बचे हुए 2 लोगों की थी। वो दोनों कांपते हुए टियान से कहते हैं कि तुम हमें जाने दो, हम तुम्हारे हेवनली पैलेस के नौकर बनने को भी तैयार हैं। टियान उनसे कहता है कि तुम मेरे स्लेव बनना चाहते हो तो फिर तुम अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी होगे, तो फिर तुम लोग मेरे एक्सपीरियंस क्यों ना बन जाते हो। इसके बाद टियान स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को रिलीज करता है और उन दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद टियान फ्लेक्स मारते हुए कहता है, अजुरा मेंशन, अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आते हो तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सिजु और बाकी सभी एल्डर भागते हुए टियान के पास आती है। सिजु टियान से पूछती है कि वो अपने स्प्रिट कोर के अंदर चला गया है, जिसपे टियान उसे बताता है कि वो अभी भी सीसी की रियलम के अंदर ही है। यूमो इस बात से काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो टियान की तारीफ करते हुए कहती है कि अगर तुम अपने सीसी के रियलम के साथ स्प्रिट कोर के कल्टीवेटर को मार सकते हो तो ये काफी कमाल की बात है। वहीं पे सेकंड एल्डर डोमिंग टियान से कहती है कि अगर तुम स्प्रिट कोर के अंदर चले जाते हो तो फिर हमारा हेवनली पैलेस आसानी के साथ सेकंड ग्रेड का फंक्शन बन जाएगा। लेकिन यूमो उन्हें याद दिलाती है कि उनके ऊपर अभी भी अजुरा मेंशन नाम की स्वॉर्ड लटक रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि टियान ताकतवर होते जा रहा है और वो बड़ी आसानी के साथ अजुरा मेंशन के एंसेक्टर को भी हरा सकता है। लेकिन उन लोगों का क्या, वो लोग तो अभी भी पहले की तरह ही कमजोर है और बैटल के दौरान वो लोग सिर्फ बोझ बनेंगी और कुछ भी नहीं। वहीं पे टियान उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है जो मैंने पहले नहीं बताया था। जिसके बाद टियान एल्डर और आंटी से कहता है कि तुम लोग मुझे फॉलो करो, जिसके बाद वो लोग जाइंट ईगल का इस्तेमाल करते हैं उस जगह पे जाने के लिए। दरअसल टियान उन लोगों को एशियन ड्यून के पास लेके आया था। टियान उन लोगों को बताता है कि इसे आसानी के साथ खोला नहीं जा सकता है, लेकिन टियान वहाँ पे अपनी अथॉरिटी का यूज करते हुए उसे आसानी के साथ खोल देता है और उन लोगों से कहता है कि अब से ये एशियन ड्यून हमारे लोगों की होगी। ये एशियन ड्यून अब से हेवनली पैलेस की टेरिटरी है और कोई भी इसके अंदर नहीं आएगा। वो सभी इस बात से हैरान हो जाते हैं कि टियान ने इस एशियन ड्यून को कैसे खोल लिया, क्योंकि ये एशियन ड्यून 3 सालों में सिर्फ एक बार खुलती है। टियान उन लोगों को बताता है कि जब वो यहाँ पे कोई नॉर्मल सी मसाला टेक्निक ढूंढ रहा था तब उसने अचानक से टेस्ट को पास कर लिया, अब वो इस एशियन ड्यून का सक्सेसर बन चुका है। जिसके बाद टियान उन लोगों को एल्डर जुआन से मिलवाता है और बताता है कि यही इस एशियन ड्यून का ख्याल रखते हैं आमतौर पर। लेकिन जैसा कि उन्हें पहले ही पता है, इस एशियन ड्यून के अंदर से सारे ट्रेजर्स जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये काफी ताकतवर जगह है जहाँ पे छुप के रहा जा सकता है। इसीलिए हेवनली पैलेस के जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सभी लोग उनको यहाँ पे ले आ सकते हैं, जिसके बाद वो उन्हें यहाँ पे ट्रेन करेंगे। और अगर अजुरा मेंशन वालों को इस बारे में पता भी हो कि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं तब भी वो लोग इसके अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर वो लोग हेवनली पैलेस को ऐसे ही 3-4 दिनों के लिए खुला छोड़ देंगे तो इससे परेशानी हो सकती है। लेकिन सीजू को टियान की बातों में दम लगता है, इसीलिए वो अपने एड्रेस को ऑर्डर देती है कि वो जितने भी डिसाइपल हैं उन सभी को यहाँ पे ले आए। इस एशियन ड्यून का साइज इतना बड़ा है कि यहाँ पे अगर वो सभी लोग रहते भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर हेवनली पैलेस ताकतवर हो जाता है तो फिर उन्हें कोई भी डराने या धमकाने के बारे में नहीं सोचेगा। इसीलिए टियान का डिसीजन बिल्कुल सही है। और जब बाकी सब एल्डर अपने डिसाइपल्स को लेने के लिए हेवनली पैलेस चली जाती है तब सीजू और टियान एशियन ड्यून के बाहर खड़े थे। टियान सीजू को बताता है कि अगर वो यहाँ पे रुकता है तो फिर वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा, इसीलिए टियान को यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन सीजू को टियान की चिंता हो रही थी कि बाहर खतरा है, अगर टियान ऐसे ही अकेला बाहर जाएगा तो ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन टियान ट्रांसफॉर्मेशन मास्क को बाहर निकालते हुए कहता है कि आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत है, कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। जिसके बाद टियान उस मास्क का यूज करता है और अपने फेस को बदल लेता है, और सीजू भी टियान को नहीं पहचान पा रही थी। टियान सीजू से कहता है कि 3 महीने बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टियान कहाँ पे है और कैसा है, वो 3 महीने बाद फिर से सीजू के पास वापस आ जाएगा। इसीलिए सीजू भी टियान को यहाँ से जाने के लिए इजाजत दे देती है, और सीजू अपने मन के अंदर यही सोचती है कि तुम्हें सही सलामत वापस आना ही पड़ेगा। जिसके बाद टियान अपने ब्लैक ड्रैगन को समन करता है और वहाँ से हेवनली बॉर्डर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अर्थ बॉर्डर के पास सेकंड ग्रेड से ज्यादा के बड़े फंक्शन नहीं है। लेकिन हेवनली बॉर्डर का एरिया काफी बड़ा है और वहाँ पे कई सारे डिमोनिक बीस्ट भी हैं जो काफी शक्तिशाली हैं, और साथ ही में अजुरा मेंशन भी वहीं पे है और बाकी सारे 3rd ग्रेड के फंक्शन भी वहीं पे हैं। और अगर टियान वहाँ पे जाता है तो वो आसानी के साथ लेवल अप कर सकता है। इसके बाद जब टियान हेवनली बॉर्डर के करीब पहुंचता है तब उसे पानी के ऊपर एक शिप दिखाई देती है, और शिप के ऊपर जितने भी लोग थे वो सभी इस बात से
हैरान हो गए थे कि कोई ब्लैक ड्रैगन को अपने पेट के तौर पे यूज कर रहा है और वो सभी यही सोचते हैं कि पता नहीं वो कौन बंदा होगा जो ऐसा कर पा रहा है। इसके बाद टियान हेवनली न्यू सिटी पहुंच जाता है जो कि एक ऐसी जगह है जहां पे कई सारे लोग कल्टीवेशन के लिए आते हैं क्योंकि ये जगह कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छी है। जिसके बाद हम लोग टियान को देखते हैं जो कि अंदर घुसता है और सिटी के अंदर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए वो पैसों का भरपूर इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन टियान को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सिर्फ कॉन्टिनेंट के बारे में थी। लेकिन टियान उस इन्फॉर्मेशन देने वाले बंदे से पूछता है क्या तुमको कोई ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ पे डेंजर जोन होगा और वहाँ पे कई सारे बीस्ट होंगे। वो बंदा टियान को बताता है कि टियान को इस तरह की इन्फॉर्मेशन स्टार पवेलियन से ही मिल सकती है और उसे वहाँ पे कई सारी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जिसके बाद हम लोग टियान को स्टार पवेलियन के अंदर देखते हैं और जब टियान वहाँ के सर्वेंट से मिलता है तब उसे पता चलता है कि वो भी सीसी की कल्टीवेशन में है, जिसे टियान समझ आता है कि यहाँ के इलाके के जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो काफी शक्तिशाली हैं। जिसके बाद वो सर्वेंट उसे पवेलियन लॉर्ड के पास लेके जाता है और वो बंदा टियान को देखते ही पहचान जाता है कि टियान यहाँ का नहीं है। टियान उसे कहता है मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ, ना कि अपनी जान पहचान बताने के लिए। और टियान उसे उन जगहों के बारे में पूछता है जहाँ पे डिमोनिक बेस्ट होंगे जिनका कल्टीवेशन लेवल सीसी के बराबर होगा। वो बंदा समझ जाता है कि टियान बीस्ट हंटिंग के बारे में सोच रहा है और उस बंदे के पास टियान के लिए एक बेहतर जॉब भी थी। पवेलियन लॉर्ड टियान से कहता है कि जो भी टियान उन मॉन्स्टर्स को मारेगा टियान को उसे पवेलियन लॉर्ड को बेचना होगा, तो पवेलियन लॉर्ड टियान को फ्री में इन्फॉर्मेशन दे देगा, नहीं तो टियान को इन्फॉर्मेशन 1000 गोल्ड में खरीदना होगा। टियान इस चीज के लिए मान जाता है लेकिन वो पवेलियन लॉर्ड से एक शर्त रखता है कि उसे पैसों के बदले में मटेरियल्स चाहिए क्योंकि टियान वैसे भी यहाँ पे मटेरियल्स को लेने के लिए आया था। इसके बाद टियान को ये मिशन भी मिल जाता है कि उसे पवेलियन लॉर्ड के साथ एक डील करनी है बीस्ट को बेच के। पवेलियन लॉर्ड टियान को बताता है कि यहाँ पे कई सारे एरिया है जहाँ पे कई सारे बीस्ट होते हैं और उनकी कल्टीवेशन स्टेज सीसी से और ऊपर होगी। लेकिन पवेलियन लॉर्ड को हाल ही में एक ऐसी जगह के बारे में पता चला है जहाँ पे कई सारे डिमोनिक बेस्ट है जिनकी कल्टीवेशन सीसी से भी ऊपर है और उस एरिया को डिमन सी कहते हैं। टियान को पहले से ही पता था कि हेवनली बॉर्डर के पास ऐसे 5 एरिया आते हैं जहाँ पे कई सारे शक्तिशाली बेस्ट होते हैं और डिमोनिक सी उनमें से एक है। टियान उसे पूछता है कि वो एरिया तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जितने भी बेस्ट होते हैं वो सभी पानी के अंदर रहते हैं। लेकिन पवेलियन लॉर्ड उसे बताता है कि वो इस बारे में बात नहीं कर रहा है, वो तो क्लाउड डिमन के बारे में बात कर रहा है जो कि डेंजर सी के अंदर ही आता है और ऐसा सुना गया है कि वहाँ पे जितने भी डिमोनिक बीस्ट हैं वो सभी पानी से निकल के उस एरिया पे इकट्ठा हो रहे हैं जिनका लेवल स्पिरिट रिफाइनमेंट से सीसी तक जाता है। इसके बाद पवेलियन लॉर्ड टियान को वहाँ का रूट मैप देता है और उसे पूछता है कि तुम लोग कितने लोग साथ जा रहे हो। टियान वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो अकेला जा रहा है, जिससे पवेलियन लॉर्ड काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद टियान उस रूट मैप का फॉलो करते हुए एक पहाड़ी तक आ जाता है, जिसके बाद वो अपने ब्लैक ड्रैगन को समन करता है और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो नीचे पानी की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि कुछ लुटेरों ने एक शिप के ऊपर अटैक कर दिया है और वो सारे लुटेरे उड़ने वाले सार्क का इस्तेमाल कर रहे थे। वो सारे लुटेरे उन लोगों से कहते हैं कि हमारे पास पहले से ही पानी का एडवांटेज है, इसीलिए तुम्हें चुपचाप सरेंडर कर देना चाहिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस शिप के ऊपर हाई हेवन मेंशन वाले लोग हैं और वैसे ये क्लैन वही मेंशन है जहां का टियान अभी सक्सेसर बना हुआ है, क्योंकि किन टियान की इनहेरिट को टियान ने ही अभी फॉलो किया हुआ है। हम देखते हैं कि हाई हेवन वाले अपने मास्टर से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिसपे उनका एल्डर उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें चुपचाप सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन एक डिसाइपल उसे कहता है कि अगर हम लोग बिना लड़े ही मारे जाते हैं तो फिर हमारे जीने का क्या ही मतलब होगा, जिसपे एल्डर उसको पानी के नीचे धक्का दे देता है और कहता है कि मरना है तो जल्दी मरो। जिसपे वो सभी डिसाइपल उसके ऊपर गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे धोखा देने की। जिसपे वो एल्डर उन लोगों से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे मेंशन के साथ रहा तो फिर मैं कभी भी स्पिरिट कोर के अंदर नहीं जा पाऊंगा। जिसके बाद वो पीछे मुड़के उन लोगों से पूछता है कि अब कौन सरेंडर करने से मना करेगा। हम देखते हैं कि वो सभी एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हारा सुकेरिया जो तुम हमारे साथ काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, हम तो पहले उन्हें डराना चाहते थे जिससे हमें और ज्यादा मजा आता, लेकिन चलो अब इसे जल्दी खत्म कर देते हैं। एक लड़की एल्डर से कहती है कि शुरू से ही तुम्हारा यही प्लान था, इसलिए तुमने हम सभी लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बुलवाया था। जिसपे वो एल्डर उन लोगों से कहता है कि हमारा क्लैन बहुत घटिया है, अगर मैं उनके साथ रहता हूँ तो मेरी कल्टीवेशन कभी भी नहीं बढ़ेगी, इसीलिए मुझे इन लोगों को फॉलो करना पड़ा। वैसे तुम लोगों के पास कमाल का टैलेंट है, अगर तुम लोग मेरी बात मानते हो तो फिर तुम में से किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा।
बाकी सारे जितने भी डिसाइपल थे वो सभी उस लड़की को फोर्स करने लगते हैं। हाई हेवन मेंशन के पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं बचे हैं और वैसे भी उनके साथ लॉयल होने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर वो लोग उनके एल्डर को ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे उन्हें ही फायदा होगा। लेकिन वो लड़की उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका सेक्ट भले ही लगातार नीचे गिरते हुए जा रहा है, लेकिन न एक दिन उनकी किस्मत जरूर खुलेगी और उनका सेक्ट फिर से ऊपर खड़ा होगा और उसे उसकी ग्लोरी फिर से मिलेगी। जिसके बाद टियान वहाँ पे आता है जो कि कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हाई हेवन मेंशन के पास अभी भी इस तरह के डिसाइपल हैं जिन्हें यकीन है कि उनका सेक्ट फिर से उनकी ग्लोरी को वापस करेगा और ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। वो लोग टियान से पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिसपे टियान उन्हें बताता है कि वो हाई हेवन का एलाई है। जिसके बाद वो तुरंत वहाँ पे स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक का यूज करता है और एल्डर की जितनी भी पावर थी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एल्डर का खेल जैसे ही वहाँ पे खत्म होता है तो जितने भी लुटेरे थे वो सभी अपनी सार्क का इस्तेमाल करते हुए टियान के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ते हैं। उसी टाइम पे हम लोग ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो कि ऊपर आसमान में उड़ रहा था। जैसे ही वो लोग ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं तब उनकी आंखें फट जाती हैं और वो सोचते हैं कि ब्लैक ड्रैगन काफी खतरनाक ड्रैगन है और इसको कौन कंट्रोल कर सकता है। टियान उनसे कहता है कि उसे शिकार खेलना काफी पसंद है, लेकिन इस गेम के अंदर टियान शिकारी है और वो सभी लोग शिकार। जिसके बाद ब्लैक ड्रैगन वहाँ पे आता है और अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लुटेरे के ऊपर अटैक करके उन्हें मार देता है और जो भी कोई वहाँ से भागने की कोशिश करता तो वो उसे भी मार देता है। जिसके बाद टियान जैसे ही उन्हें मार गिराता है तो टियान को रिवॉर्ड दिया जाते हैं जो कि एक मार्शल आर्ट टेक्निक होती है और उड़ने वाले सार्कों को कंट्रोल करने की एबिलिटी, जिसके साथ ब्लैक ड्रैगन भी अपग्रेड कर लेता है। कुछ डिसाइपल जैसे ही देखते हैं कि टियान कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है तो वो तुरंत शिप से कूद जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। टियान अपने ब्लैक ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि वो उन सभी को मार दे। जिसके बाद टियान मुड़ के उस लड़की से पूछता है कि तुम लोग अब क्या करोगे, क्या तुम इन सभी लोगों को वापस हाई हेवन मेंशन लेके जाओगे या फिर इन्हें यहीं पे छोड़ दोगे। वो लड़की आगे बढ़ती है और टियान से पूछती है क्या टियान सच में हाई हेवन मेंशन का एक एलाई है या फिर कुछ और है। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे जीवान टियान स्पिरिट किंग की इनहेरिटेंस मिली है, इसीलिए वो एक तरह से हाई हेवन का सक्सेसर ही हुआ। इसीलिए टियान उनसे कहता है कि हाँ वो उनका एलाई है। इसके बाद वो सभी डिसाइपल उन्हें शुक्रिया कहते हैं और टियान को बताते हैं कि वो यहाँ से फिर से हाई हेवन मेंशन जाने वाले हैं, जिसके बाद वो ट्रिएटर्स को उनके हवाले कर देंगे और उनसे खुद ही निपट लेंगे। वो लड़की अपना नाम यांग जीजू बताती है और टियान को हाई हेवन में इनवाइट करती है। टियान उसे बताता है कि वो बाद में आएगा क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम करने के लिए जाना है। जिसके बाद टियान वहाँ से उड़ जाता है। यांग टियान से कहती है कि हमने अभी आप तो शुक्रिया भी नहीं कहा है, हम दोबारा कब मिलेंगे। टियान उसे कहता है कि किस्मत उन्हें दोबारा जरूर मिलवाएगी, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टियान उड़ते हुए आइलैंड डीमन तक पहुँच जाता है और टियान को पता चलता है कि वहाँ पे जितने भी बीस्ट हैं वो सभी आधे सी मॉन्स्टर और आधे अर्थ मॉन्स्टर की तरह लग रहे हैं। जिसके बाद टियान वहाँ पे अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और डायरेक्ट उन सभी मॉन्स्टर्स के बीच में कूद जाता है। जिसके बाद टियान वहाँ पे अपने वेपन को बाहर निकालता है और अपने क्रेजी मोड से लेके लगौरा सब कुछ एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद टियान एक एक करके वहाँ पे जितने भी बीस्ट थे उन सभी को मारना शुरू करता है, जिनके अंदर हाथी घोड़ा बीस्ट ऑक्टोपस सब कुछ थे, और टियान इसी तरह से उन सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए अपने स्प्रिट कोर के फर्स्ट स्टेज तक आ जाता है और टियान सक्सेसफुली अपने आप को लेवल अप भी करवा लेता है। लेकिन टियान वहीं पे ही नहीं रुकता है, जिसके बाद वो अपनी पावर को और ज्यादा रिलीज करता है और वहाँ पे एक और तगड़ा अटैक करता है जिससे वहाँ पे तगड़े तगड़े धमाके होने लगते हैं और टियान इसी तरह से उस आइलैंड के ऊपर जितने भी बीस्ट थे उन सभी को मार देता है और एक भी बीस्ट नहीं बचता है। और टियान इसी तरह से एक्सपीरियंस को गेन करते हुए स्प्रिट कोर के थर्ड स्टेज पे आ गया था। जिसके बाद टियान अपने सिस्टम को ओपन करता है तब उसे वहाँ पे उसके लिस्ट में एक सिन पॉइंट नाम का स्लॉट दिखता है और जब टियान उसके बारे में जानता है तब उसे पता चलता है कि सिन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिनका इस्तेमाल करके टियान कई सारी चीजों को रिडीम कर सकता है, भले ही वो चाहे क्रेजी पॉइंट हो या फिर लॉटरी ड्रॉ हो। इसके बाद टियान सिस्टम से पूछता है कि उसे सिन पॉइंट कैसे मिलेंगे, तो सिस्टम उसे बताता है कि सिन पॉइंट दरअसल लाइफ फोर्स होती है, अगर टियान किसी भी जिंदा चीज को मारता है तो टियान को रिवॉर्ड के तौर पे सिन पॉइंट मिले हैं और टियान इन सभी का इस्तेमाल क्रेजी पॉइंट को रिडीम करने के लिए तो कर ही सकता है साथ ही में वो। और जब टियान एक नजर सिन शॉप के ऊपर डालता है तब उसे पता चलता है कि सिन शॉप के अंदर ऐसे कई सारे आइटम हैं जैसे कि ड्रैगन सेट आर्मर, इमॉर्टल सेट आर्मर और इसी तरह से कई सारी चीजें, और टियान इन सभी को सिन पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए रिवॉर्ड के तौर पे ले सकता है। टियान इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी ऊपर आसमान में दो जायंट ईगल दिखाई देते हैं जो कि उड़ते हुए उसी आइलैंड की तरफ आ रहे थे और उस कैरेज के अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है जो कि अजूरे मेंशन की तरफ से था और इसका नाम कियांग है। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि अब बारी आ चुकी है कि अजूरे मेंशन को भी थोड़ा सा नुकसान दिया जाए, लेकिन तभी दूसरे कैरेज के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि किसी दूसरे सेक्टर से थी और इसका नाम है सीकिंग। सीकिंग
जैसे ही बाहर निकलती है तो कियांग उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है उसको अम्ब्रेला देते हुए, लेकिन सेकिंग उसे जरा सा भी भाव नहीं देती है और चुपचाप उसके अम्ब्रेला को रिजेक्ट कर देती है। उसी के पीछे एक और लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम जायू था। कियांग उसके ऊपर भी लाइन मारने की कोशिश करता है लेकिन वो भी उसे भाव नहीं देती है, जिसके बाद वो दोनों ही आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब वो लोग आसपास देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी बीस्ट नहीं बचा है, इसीलिए उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे पहले से ही कोई है। कियांग ऊपर पेड़ की तरफ देखता है तो वहाँ पे टियान खड़ा था। कियांग टियान से कहता है कि तुम हमसे पहले यहाँ पे कैसे आ गए और यहाँ पे कितने बीस्ट थे, वो सब कहाँ चले गए। सेकिंग टियान को इज्जत देते हुए पूछती है कि वो यहाँ पे उनसे पहले आया है तो उसे जरूर पता होगा कि यहाँ पे डीमन बीस्ट कहाँ पे है। टियान उसे साफ बता देता है कि यहाँ पे कई सारे डीमन बीस्ट थे लेकिन टियान ने उन्हें पहले ही खत्म कर दिया है। लेकिन साओजियन जो कि कियांग के साथ था उसे यकीन नहीं होता है और वो टियान से कहता है कि लाशें कहाँ पे गई, उन्हें दिखाओ तो हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे, क्योंकि पवेलियन लॉर्ड ने हमें यहाँ पे भेजा है, बताया था कि यहाँ पे कई सारे बीस्ट होंगे। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे इन दोनों कचड़ों से निपटने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दोनों बाकी लड़के किसी और सेक्टर से आती है और टियान को कोई भी फालतू सी अटेंशन नहीं चाहिए थी, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है। साओजियन उसके पीछे जाने वाला था लेकिन कियांग उसको रोक देता है, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते के बीच में कियांग सी कियांग के ऊपर पूरी लाइन मारने की कोशिश करता है लेकिन सेकिंग उसे जरा सा भी भाव नहीं देती है। और जब वो लोग आगे जाते हैं तब उनकी मुलाकात टियान से फिर से हो जाती है और टियान एक पत्थर के सामने खड़ा था जो कि किसी स्पिरिट रेस से था। अब वो लोग टियान से पूछते हैं क्या उसे कुछ समझ में भी आ रहा है कि उस पत्थर के ऊपर क्या लिखा है। टियान कहता है मुझे समझ में आता तो मैं तुम्हें बताता नहीं, जिस पे साओजियन कहता है कि कियांग को जरूर आता होगा। तो फिर टियान उनसे कहता है कि तुम्हें एक्सप्लेन करके क्यों नहीं बता देते हो, लेकिन कियांग को भी नहीं आता था तो वो कहता है कि ये काफी खुफिया जानकारी है इसीलिए मैं भगते नहीं फिर सकता हूँ, अगर तुम्हें पता है तो फिर तुम्हें एक्सप्लेन क्यों नहीं कर देते हो। तो फिर टियान वहाँ पे उसकी पूरी गुत्थी बता देता है कि ये स्प्रिट रे का कोई टॉम्बो है और इसके ऊपर किसी हुआन किंग का नाम लिखा हुआ है जिसको एक एक्सपर्ट ली यून ने लिखा है। इसके बाद टियान कहता है लेकिन ये फिर भी तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि तुम इससे कई सारी मार्शल आर्ट टेक्निक सीख सकते हो। लेकिन कियांग क्योंकि लंबी लंबी फेंक रहा था इसीलिए ये बात बिल्कुल भी सच नहीं थी। टियान उन्हें बताता है कि ये जगह डेंजर जोन में आती है और यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि स्प्रिट लैंग्वेज को सीख सकते हैं और उन्हें जानते होंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद टियान वहाँ से चला जाता है। कियांग उसे कहता है कि हमें तुम्हारी बकवास के ऊपर जरा सा भी यकीन नहीं है। टियान जाते हुए कहता है करो या ना करो ये मेरा लेना देना नहीं है। इसके बाद टियान वहाँ से चला जाता है। सीकिंग भी वहाँ से जाते हुए कहती है कि हम लोग बाद में किसी लैंग्वेज एक्सपर्ट से इसके बारे में जान लेंगे। जिसके बाद सीकिंग जोयुन को लेती है और वहाँ से चले जाती है और वो उन दोनों को साफ मना करके जाती है कि उन्हें उन दोनों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं कि साओजियन अपने भाई से कहता है कि ये तो घंघोर बेइज्जती हो गई भाई, अब हम लोग क्या करें। जिसपे कियांग कहता है कि उसने पहले ही हमें उंगली कर दी है तो फिर अब उसे परिणाम का सामना करना ही होगा। हम देखते हैं कि टियान को उस पत्थर की वजह से पता चल गया था कि यहाँ पे एक छुपी हुई रियोन है और टियान सोचता है कि पता नहीं वो कहाँ पे होगी। उसी टाइम पे टियान को समझ में आ जाता है कि उसका पीछा किया जा रहा है और वो उन दोनों से कहता है कि बाहर आ जाओ। कियांग उसे कहता है कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुमने हमें पता लगा लिया लेकिन तुम यहीं पे मरने वाले हो। जिसके बाद साओजियन टियान के ऊपर चाकू लेके अटैक कर देता है। टियान उन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था लेकिन क्योंकि तुम लोगों ही मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो तो फिर मुझे तुम्हें मारने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम देखते हैं कि जब साओजियन ने टियान के ऊपर अटैक किया था तब टियान उसका हाथ इतनी जोर से दबाता है कि वो टूट ही जाता है, जिसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देता है लेकिन टियान अपने हाथों से ही उसका गला घोट के उसे मार देता है। जिसके बाद वो कियांग की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है। अब कियांग फटने लगती है तो वो बताता है कि वो अजूरे मेंशन से आता है, अगर टियान ने उसे मारा तो वो भी मारा जाएगा। टियान कहता है बच्चा मैंने तुम्हारे पहले ही एल्डर को मार चुका है और ये धमकी मेरे ऊपर काम नहीं करती है। इसके बाद टियान जल्दी से आगे बढ़ता है और कियांग के ऊपर सोल पाम अटैक करता है, जिससे कियांग के ऊपर एक जोरदार अटैक होता है और वो पीछे उड़ते हुए जाके एक चट्टान से टकरा के नीचे गिर जाता है। कियांग टियान से कहता है कि तुम्हें रुक जाना चाहिए नहीं तो मेरे एंसेक्टर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। टियान उसकी सॉल उठा लेता है और कहता है कि शायद से मुझे तुम्हारे एंसेक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। इसके बाद टियान कियांग को वहीं पे मार देता है और उसकी जितनी भी टेक्निक्स थी वो सभी सिस्टम टियान को दे देता है। टियान अपने मन में सोचता है मुझे पता नहीं लेकिन यहाँ पे ऐसे कई सारे ट्रेजर हैं जो कि स्पिरिट रेस से बिलोंग करते हैं और शायद से मुझे इसी वजह से ऐसा फील हो रहा है कि वो सभी डीमन भी इकट्ठा हो रहे थे। इसी बीच टियान जब आगे बढ़ता चला जा रहा था तब उसको एक अजीब जगह दिखती है जहाँ पे कई सारे पत्थर इकट्ठा हो रहे थे और उनमें से एक पत्थर के ऊपर स्पिरिट रेस की लैंग्वेज से कुछ लिखा गया था और जब टियान उसको पढ़ने की कोशिश करता है तब उसके ऊपर लिखा गया था हेवन गेट और टियान अपने मन में सोचता है कि शायद यही वो की है। जिसके
बाद टियान वहाँ पे हेवन गेट कह के चिल्लाने लगता है, जिससे वहाँ पे रियोन खुलने की कोशिश हो सके, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो टियान समझ जाता है कि उसे स्पिरिचुअल एनर्जी का भी यूज करना पड़ेगा। इसके बाद टियान वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को निकालता है और वहाँ पे हेवन गेट कहता है स्पिरिट लैंग्वेज के अंदर, जिससे वहाँ पे एक चमत्कार होता है और टियान टेलीपोर्ट होके एक दूसरी जगह पे आ जाता है जो कि किसी केव के अंदर था। और जब टियान उस गुफा के अंदर जाता है तब उसको पता चलता है कि वहाँ पे किसी को ट्रैप करके रखा गया था। और जब टियान थोड़ा सा और करीब जाता है तब उसे पता चलता है कि वो असल में एक लड़की थी जिसकी कल्टीवेशन कुछ कम नहीं थी, क्योंकि इसको यहाँ पे काफी टाइम से ट्रैप करके रखा गया था, इसीलिए इसकी कल्टीवेशन लगातार कम होती जा रही थी। तभी उस लड़की को होश भी आ जाता है और वो टियान को देख के समझ आती है कि टियान स्पिरिट रेस से नहीं है, और वो टियान से उसका नाम पूछती है। टियान उसे बता देता है कि वो स्पिरिट रेस से नहीं है, वो तो यहाँ से गुजर रहा था। और जिसके बाद टियान इस बात को गेस कर लेता है कि इस लड़की का नाम हुआन यून है। वो लड़की टियान से पूछती है कि तुमको मेरे नाम के बारे में कैसे पता है, जिसपे टियान उसे बताता है कि बाहर एक टम्बो स्टोन था जिसके ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, जिसको किसी एक्सपर्ट लिन यून ने लिखा है। मैंने तो सोचा था कि वो पत्थर बस एक मजाक होगा, लेकिन किसने सोचा था कि तुम यहाँ पे असली में दबी हुई होगी। वो लड़की टियान से पूछती है लेकिन तुम अंदर कैसे आ गए, यहाँ पे तो सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनको स्पिरिट लैंग्वेज के बारे में पता होगा, कहीं तुम्हारी मदद ली यून ने नहीं की है। टियान कहता है कि मुझे थोड़ी सी स्पिरिट लैंग्वेज आती है, इसीलिए मैं यहाँ पे इस उम्मीद में आ गया कि मुझको यहाँ पे खजाने मिलेंगे, लेकिन जब अंदर आया तो पता चला कि तुम यहाँ पे फंसी हुई थी और तुमने जिस पर्सन के बारे में बात की है मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन उस पर्सन ने तुम्हारी मदद करने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा। हुआन किन टियान से कहती है कि मैं समझ गई, तुमको उस पर्सन ने यहाँ पे नहीं भेजा है, चलो तुम मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करो, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड दूंगी। यहाँ पे कई सारे अर्थ रैंक के वेपन और रेसिपीज हैं जो मैं तुमको दे सकती हूँ, और वो तुम्हें पक्का एक ताकतवर कल्टीवेटर बना देंगी। टियान कहता है मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जो तुमको आसानी के साथ बाहर निकाल दूंगा, तुमको एक खतरनाक डेंजर मॉन्स्टर भी हो सकती हो जो बाहर निकलते ही मुझे मार सकता है, इसीलिए तुमको यहाँ पे ट्रैप किया गया होगा। हुआन किन टियान को बताती है ऐसा लगता है कि तुमको सच्चाई बताने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद हुआन किन टियान को बताती है कि वो स्प्रेडेट की सेंट है और उसको वहाँ पे लियून जो कि एक डेमन है उसने हुआन कियान को यहाँ पे इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वो चाहता था कि हुआन कियान लियून को स्प्रेडेट के सीक्रेट्स के बारे में बताए, लेकिन जब उसने मना किया तो उसका हल ये हो गया। लेकिन जब स्प्रेडेट के लोगों ने अपनी नई सेंट को चुन लिया तब उनके पास एक नया मौका आ गया सीक्रेट्स को जानने के लिए, और उन्होंने वो सक्सेसफुली पा भी लिया। इससे टियान समझ जाता है कि एक शांतिपूर्ण देश भी राजनीति के चलते तबाह हो सकता है। हुआन कियान टियान को बताती है कि ली यून स्पिरिट रेस का प्रेटियाज बनना चाहता था, इसलिए उसने ये सारे कांड किए, और जब उसके पास नेदर वर्ल्ड का सपोर्ट आ गया तब उसने ये सारे कांड करना शुरू कर दिए, और वो आखिरकार स्पिरिट रेस का प्रेटियाज बन भी गया। और उसके लालच और ग्रेडीनेस की वजह से अब स्पिरिट रेस फिर से नेदर वर्ल्ड की वेसल बनने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि नेदर वर्ल्ड अपने आप को बड़ा करना चाहता है, इसीलिए वो छोटे मोटे जितने भी स्पिरिट रेसेस हैं उन सभी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि वो और शक्तिशाली हो सके। तभी अचानक से सिस्टम टियान को एक मिशन देता है जो कि हिडन मिशन था कि उसे हुआन किन को बचाना है, और ये मिशन दुनिया के भाग्य के ऊपर भी असर डालेगा। टियान को ये मिशन काफी ज्यादा मजेदार लगता है, इसीलिए वो इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद टियान हुआन किन से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों यकीन है, चलो जल्दी से तुमको बाहर निकालते हैं। हुआन किन टियान को बताती है कि यहाँ पे एक पॉइजन एरे सेट की गई है, इसलिए टियान को बाहर जाके सिर्फ उस टॉम्बो स्टोन को तोड़ना होगा। जिसके बाद हुआन किन टियान को एक रिकवरी पिल भी देखती है जिससे टियान की थोड़ी सी मदद हो सके, और जब टियान उसके ऊपर अप्राइजल आई को एक्टिवेट करता है तब उसे पता चलता है कि ये रिकवरी पिल सच में कमाल की है, जो एक ही बार में खाने से टियान की सारी एनर्जी को एक ही बार में रिकवर कर देंगी। जिसके बाद टियान हुआन किन से वादा करता है कि वो सील को तोड़ के ही वापस आएगा। जिसके बाद हम लोग टियान को देखते हैं जो कि सील के पास आ गया था, और उसे पता चला था कि यहाँ पे सील को छुपा के रखा गया था एक पत्थर के पीछे, और जिसको स्पिरिट रेस की लैंग्वेज में लिखा गया था। जिसके बाद टियान वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और डिवाइन गॉड इम्प्रिंट नाम का एक मंत्र पढ़ता है जिससे वो सील एक ही बार में चकनाचूर हो जाती है। उस प्रिंट को तोड़ने के बाद टियान अपने मन में सोचता है कि स्पिरिट रेस की हेरिटेज सच में कमाल की है, इसीलिए शायद मुझे थोड़ा सा टाइम निकाल के डिवाइन गॉड इम्प्रिंट को सीख ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की सील के अंदर प्रिंट को लगा दिया गया तो फिर एशियन रून के अंदर जा पाना नामुमकिन हो जाएगा। सील को तोड़ने के बाद टियान फिर से हुआन किन के पास आ जाता है। हुआन किन टियान से कहते हैं कि तुम्हारे पास ड्रैगन रेस थी, इसी वजह से तुम इतनी जल्दी सील को तोड़ पाए। टियान कहता है कि मैंने अपनी एनर्जी फालतू में वेस्ट नहीं की है, जल्दी से बाहर आ जाओ। जिसके बाद हुआन किन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी टाइम से फंसे रहने की वजह से कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए वो अंदर से सील को नहीं तोड़ पाती है। और वो टियान से कहती है ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में हमेशा यहाँ पे फंसा रहना
यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टियान कहता है कि अब तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के ही जाऊंगा, मैंने इतनी एनर्जी वेस्ट की है तो इसको बेफालतू में थोड़ी ना जाने दूंगा। इसके बाद टियान वहाँ पे अपनी स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को रिलीज करता है और जितने भी वहाँ पे ड्रैगन गॉड के स्पीयर बने हुए थे उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। हुआनकिन उसे कहती है कि ये उसके लिए काफी खतरनाक हो सकता है, अगर वो इसी तरह से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहा तो वो मारा जाएगा। लेकिन टियान उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहता है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस मिल रहे थे और टियान की ये टेक्निक बार बार स्पीयर के ऊपर काम भी कर रही थी और वह स्पीयर धीरे धीरे करके कमजोर हो रहे थे। लेकिन अचानक से टियान के ऊपर एक लाइटनिंग गिरती है जिससे टियान पीछे जाके गिरता है। दरअसल ली यून ने इस केज के साथ लाइटनिंग अरे भी बिछा रखी थी जो कि डायरेक्ट डीमन आइलैंड से कनेक्टेड है, इसीलिए टियान अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है और हुआनकिन उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन टियान रिकवरी पिल को खाता है और अपनी मिस्टीरियस डिवाइन आर्ट को भी एक्टिवेट कर लेता है और उससे कहता है कि तुम चिंता ना करो, इतना काफी नहीं है मुझे मारने के लिए। इसके बाद टियान फिर से खड़ा होता है और उसकी एनर्जी को फिर से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। लेकिन टियान के ऊपर बार बार लाइटनिंग से अटैक हो रहा था और उसकी हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन टियान फिर भी नहीं रुकता है और वो फिर से रिकवरी पिल खाता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इस वजह से हुआनकिन भी रोना शुरू कर देती है कि कोई उसके लिए इतना ज्यादा दर्द कैसे सह सकता है और वो टियान से बस इतना ही कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें मेरी वजह से मरने की जरूरत नहीं है। लेकिन टियान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए फिर भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहता है। लेकिन जो अगले स्ट्राइक होने वाली थी वो और भी ज्यादा शक्तिशाली होने वाली थी, इसलिए टियान जल्दी से वहाँ पे शैडो क्लॉक का इस्तेमाल करता है और उसको पहन लेता है। और जब अगली लाइटनिंग टियान के ऊपर गिरती है तब टियान को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से एक और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जो कि ईवल फायर थी। हुआनकिन उसे कहती है कि तुम्हें दूर हट जाना चाहिए, अगर ये फायर तुम्हें छू गए तो ये तुम्हें पिघला देगी, तुम्हें मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टियान रिकवरी पिल को खाते रहता है और लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जाता है और इसी तरह से टियान की मेहनत रंग लाती है और हुआनकिन उस अरे से आजाद हो जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से टियान तुरंत वहाँ पे बेहोश हो जाता है। हुआनकिन जल्दी से आगे बढ़ती है और वो टियान को गले लगा लेती है और उसे शुक्रिया कहती है, जिसके बाद हुआनकिन टियान को जल्दी ठीक करने के लिए अपनी हेवनली इम्प्रिंट दे देती है जिसको सिस्टम हेवनली आई बताता है और ये एक नेट एबिलिटी है यानी कि अंदर की एबिलिटी। उस एबिलिटी के एक्टिवेट होने की वजह से टियान को ऐसा लगता है कि उसे ठंडा महसूस हो रहा है, जिसके बाद टियान को अचानक से होश भी आ जाता है। टियान उसे पूछता है कि वो इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया, जिसपे हुआनकिन उसे बताते हैं कि उसने अपने हेवनली इम्प्रिंट उसे दे दिया है। टियान उसे कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए काफी खास है और इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारी आधी पावर को ले लिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हुआनकिन उसे कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डाली थी मुझे बचाने के लिए, इसीलिए मेरे लिए इतना करना कोई बड़ी बात नहीं है और तुम्हारे पास अब स्पिरिट रेस की एबिलिटी है। जिसके बाद हुआनकिन टियान से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन टियान उस गुफा के अंदर जितने भी पत्थर लगे हुए थे जो कि खास थे उन्हें निकालने लगता है और कहता है कि उसे पैसों की जरूरत है ताकि वो पिल ले सके। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और टियान हुआनकिन से कहता है कि ये अलविदा कहने का समय है, तुम जायंट ईगल का इस्तेमाल कर सकती हो यहाँ से जाने के लिए। हुआनकिन टियान से कहती है कि उसे नहीं पता है कि वो दोनों दोबारा कब मिलेंगे, इसीलिए वो टियान को कुछ देना चाहती है। टियान उसे कहता है कि उसने पहले ही टियान को कुछ ऐसा दे दिया है जो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हुआनकिन उसे कहती है कि तुम इसके लिए मना नहीं करोगे और मुझे उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल भी करोगे। दरअसल हुआनकिन टियान को अपनी स्पिरिट रेस की इम्प्रिंट बनाने की टेक्निक देके जाती है, यानी कि टियान अब इम्प्रिंट बना सकता है बोले तो ड्रॉइंग। और हुआनकिन टियान से कहती है कि बाकी किसी को भी इसके बारे में पता मत चलने देना, नहीं तो तुम अनचाहे मुसीबत के अंदर फंस सकते हो। टियान को पता चलता है कि ये एबिलिटी एक हाई ग्रेड की एबिलिटी है बोले तो सीसी के लेवल की। टियान उसे पूछता है कि उन्होंने स्पिरिट रेस की इतनी सीक्रेट जानकारी उसे क्यों दी। हुआनकिन उसे बताती है कि स्पिरिट रेस पहले ही नेदर वर्ल्ड के अंदर आ चुका है और शायद से उनका इतिहास इस दुनिया से मिट भी चुका होगा, और हुआनकिन ने टियान को ये एबिलिटी इसलिए दी है ताकि उनकी लेगेसी टियान के जरिए आगे बढ़ती रहे और शायद से वो लोग दोबारा स्पिरिट रेस को रिबिल्ड कर सकते हैं। हुआनकिन टियान से रिक्वेस्ट करती है कि टियान इस फेवर को न लेने से मना न करे। टियान भी उसकी बातों को समझ आता है, जिसके बाद वो अपना चेहरा दिखाता है वो भी असली वाला और कहता है कि ये मैं हूँ और मैं ऐसा दिखता हूँ और तुम मुझे अब शुक्रिया कर सकती हो। हुआनकिन टियान के असली चेहरे को देख के काफी हैरान हो गई थी क्योंकि उसे लगा था कि टियान काफी उम्रदराज होगा क्योंकि वो इतना शक्तिशाली है, लेकिन टियान तो उसकी सोच से विपरीत निकला, वो इतना छोटा है। हुआनकिन टियान से कहते हैं कि तुम्हारे पास कमाल का टैलेंट है इसीलिए तुम आगे और भी ज्यादा शक्तिशाली कल्टीवेटर बनोगे। इसके बाद हुआनकिन टियान को अपना असली नाम बताती है जो कि होता है किंग जुआन, जिसके बाद किंग जुआन वहाँ से चली जाती है। टियान उसे कहता है कि वो इस बात को पक्का करे कि वो जिंदा रहे और टियान उसे वापस आके ढूंढ लेगा। किंग जुआन वहाँ से जाते हुए कहती है कि अगर मैं जिंदा रही तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी, और टियान इसी तरह से इस वे ड्रेस की सेटेंस को बचा ये मिशन भी पूरा कर लेता
देता है और टियान उसकी बातें सुनके बस मुस्कुरा देता है। जिसके बाद टियान अपने ब्लैक ड्रैगन के ऊपर बैठता है और वापस न्यू सिटी की तरफ निकल जाता है। टियान जैसे ही वहाँ पे जाता है तो आइलैंड के ऊपर एक डीमन एंट्री मारता है, जो कि वहाँ पे आता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर नहीं बचा है। जिसके बाद जब वो सील की तरफ देखता है जहाँ पे किंग जुआन को कैद करके रखा गया था वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, और उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्पिरिट रेस के एल्डर आए थे जिन्होंने इसे डिस्ट्रॉय किया है। जिसके बाद वो अपनी शॉट को निकालता है तो उसकी शॉट साइज में बड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो आइलैंड को डिस्ट्रॉय करके लियोन को इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए चला जाता है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और मुझे पता है कि मैंने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया है, लेकिन मैं घर के कामों में बिजी था, अगर मैं उनका काम ना सुनूं तो वो घर से बाहर निकाल देंगे, और किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो अपने बाप के काम को टाल सके।